गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की अगर अपन बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, स्टोरेज करने का, स्टोर करने का प्लेस होता है, जहां पे क्या होता है अपनी किडनी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरेटर के थ्रू, ठीक है, और कहां पे आता है अपना, यूरेटर के थ्रू आके और अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है, स्टोर किया जाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 300 ml to 500 ml। और यहां से क्या है, यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। नया टॉपिक स्टार्ट करने से एक बार पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपने इससे पहले कौन से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले अपना हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, देन आफ्टर अपना किडनी, ग्रोथ स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा व्यू दिखता है अपने को, क्या क्या चीज दिखती है, नेफ्रॉन जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है जिससे किडनी मिलके बनती है, उसके बाद किडनी के फंक्शन कौन से हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट और यूरेटर। तो वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट तक अपन ने क्या है, रिवाइज कर लिया था, दो बार रिवाइज हो चुका है और एक बार अपन यूरेटर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यूरेटर क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यूरेटर क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो अपनी किडनी है वहां से क्या है, यूरिन को रिसीव करती है और जो अपना यूरिनरी ब्लैडर है वहां पे लाके उसको स्टोर कर देती है, ठीक है। जो यूरेटर है वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बनती किससे है, स्मूथ मसल फाइबर से मिलके क्या है वो बनती है। जो यूरेटर है वो क्या होता है, अपना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलके बनती है, जिसका फंक्शन क्या होता है, दैट प्रपोल यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि किडनी से यूरिनरी जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम किसका होता है, यूरेटर का होता है। एक जो ह्यूमन है, एडल्ट ह्यूमन है, उसके अंदर यूरेटर की साइज कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग उसके क्या होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो कितनी लंबी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर क्या है वो लॉन्ग होती है, जो क्या करती, किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी होती है और क्या करती है, किडनी से यूरिन को रिसीव करती है और यूरिनरी ब्लैडर तक लाके उसको छोड़ देती है। जो ट्यूब है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो अपना यूरेटर है, उसका डायमीटर कितना होता है, 3 से 4 mm क्या है इसका डायमीटर होता है, यानी कि जो अपना यूरेटर है वो क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, देन आफ्टर क्या होता है वो, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर क्या है उसकी लेंथ होती है। डायमीटर की अगर अपन बात करें तो उसका डायमीटर कितना होता है, 3 से 4 mm क्या है उसका डायमीटर होता है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, यूरिन को किडनी से लाती है और लाता है और अपने यूरिनरी ब्लैडर तक क्या है उसको लाके छोड़ने का काम किसका होता है, यूरेटर का होता है। इसके बाद अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 30 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग होती है और दैट पास फ्रॉम द पेल्विस ऑफ ईच किडनी इनटू द ब्लैडर, यानी कि कहां से
कहां से पास होते हैं, पेल्विस, ठीक है, ऑफ ईच किडनी इन टू द ब्लेडर, यानी कि किडनी का जो पेल्विस पार्ट है उससे क्या है जनरेट होके और अपने ब्लेडर तक आते हैं। दे क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी, यानी कि जो अपनी कॉमन इलियक आर्टरी है उसको भी क्या है क्रॉस करते हुए आते हैं। दे देन पास डाउन अलोंग द साइड ऑफ द पेल्विस एंड फाइनली कर्व फॉरवर्ड एंड एंटर द ब्लेडर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बैक ऑफ द ब्लेडर, यानी कि ये जो बैक साइड के अपने यूरिनरी ब्लेडर है वहां से क्या ये एंटर हो जाते हैं। इसके बाद इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन की अगर अपन बात करें तो दैट यूरिन प्रपोल द यूरेटर प्रपोल यूरिन फ्रॉम द किडनी इन टू द ब्लेडर बाई पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर, यानी कि मसल्स फाइबर में क्या है कॉन्ट्रक्शन होने के कारण से क्या है जो अपना यूरिन है उसको क्या करते हैं ये किडनी से लाके और ब्लेडर तक छोड़ते हैं। ये अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ठीक है। जो अपने पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं वो क्या होती हैं अकर सेवरल टाइम पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक से अधिक बार क्या है वो अपने मूवमेंट्स होते हैं। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विद द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस एंड लिटिल स्पॉट्स ऑफ यूरिन इन टू द ब्लेडर, इसके बाद इसकी आती है ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो ब्लड सप्लाई कौन करता है द यूरेटर हैज इन इंटरनल सप्लाई विच अलोंग इट अकर्स द अपर पार्ट ऑफ यूरेटर क्लोज टू द किडनी इज सप्लाई बाय द रीनल आर्टरी, यानी कि जो अपर पार्ट है यूरेटर का वो क्या है किससे क्लोज रहता है क्लोजली टू द किडनी, किडनी से क्या है क्लोज रहता है, तो क्योंकि जो किडनी का पेल्विस पार्ट है वहां से क्या है अपने यूरेटर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कहां तक आते हैं यूरिनरी ब्लेडर के बैक में आके अपने क्या है ये इंटर होते हैं। तो जो अपर पार्ट है उसको कौन करता है इसकी सप्लाई, रीनल आर्टरी, जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है वही क्या करती है यूरेटर के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई कर देती है, ठीक है। जो मिडिल पार्ट है मिडिल पार्ट कहां से क्रॉस होके आता है कॉमन इलियक आर्टरी से आता है, ठीक है, तो कॉमन इलियक आर्टरी क्या है इसको ब्लड सप्लाई कर देती है। जो किसकी ब्रांच है कॉमन इलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है अब्डोमिनल आर्टरी की क्या है ब्रांच होती है, टेस्टिकुलर आर्टरी जो है वो क्या है मेंस के अंदर ब्लड सप्लाई कर देती है और ओवेरियन आर्टरी जो है वो क्या करती है वुमेन्स के अंदर सप्लाई कर देती है। जो लोअर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है क्लोज टू द ब्लेडर, ठीक है, तो ब्लेडर से कनेक्ट रहता है तो कौन सप्लाई करता है इट सप्लाई बाई ब्रांचेज फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, यानी कि इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या है उसकी सप्लाई हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई कैसे होती है अपर पार्ट जो है वो किससे कनेक्टेड रहता है अपना किडनी से कनेक्ट रहता है तो उसको कौन सप्लाई करेगा रीनल आर्टरी करती है, ठीक है। देन आफ्टर अपना आता है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट किससे कनेक्ट रहता है अपना मिडिल पार्ट कॉमन इलियक आर्टरी को क्रॉस करते हुए आता है तो उसको सप्लाई कौन करता है कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो क्या करेगी उसको ब्लड सप्लाई कर देगी। कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है अब्डोमिनल आर्टरी की क्या है ब्रांच होती है। जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो क्या करेगी मेंस के अंदर ब्लड सप्लाई कर देगी और ओवेरियन आर्टरी है वो क्या करेगी वुमेन्स के अंदर ब्लड सप्लाई कर देगी। लोअर पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट रहता है जो अपना यूरिनरी ब्लेडर है उससे क्या है कनेक्ट रहता है तो इसको कौन करेगा इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो क्या करेगी इसको ब्लड सप्लाई कर देगी। देन आफ्टर अपना जो आज का जो टॉपिक है यूरिनरी ब्लेडर वो आता है,
एक बार ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बना लो जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो अपना जो यूरिनरी ब्लेडर ब्लेडर जो है वो क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। किसके अंदर? ह्यूमंस एंड वर्टिब्राज के अंदर, ठीक है। एक होलो मस्कुलर क्या है, ऑर्गन है, दैट कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन फ्रॉम द किडनी बिफोर डिस्पोजल बाय यूरिनेशन। यानी कि जो यूरिथ्रा के द्वारा जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, उससे पहले जो स्टोर करने का काम है वो कौन करता है? अपना यूरिनरी ब्लेडर करता है। जो ब्लेडर है वो अपना इलास्टिक ऑर्गन है, यानी कि इजीली डायलेट हो जाता है और इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे जरूरत होती है वैसे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे यूरिन पास आउट कर लेते हैं, यूरिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो वो क्या है अपनी दोबारा से दूसरे शेप में आ जाएगा। ये कहां पे सिचुएटेड होता है? द सिचुएटेड ऑन द पेल्विस फ्लोर। जो अपना पेल्विस है वहां पे क्या है ये सिचुएटेड होता है। जो इसके अंदर यूरिन कैसे आता है? यूरिन एंटर बाय द यूरेटर एंड एग्जिट बाय द यूरिथ्रा। यानी कि यूरेटर और अपनी जो यूरिथ्रा है उसके बीच का जो पॉइंट है वो क्या है? अपना यूरिनरी ब्लेडर होता है। यानी कि यूरेटर से क्या है, ब्लड आएगा, यूरिन आएगा, और यूरिन आने के बाद कहां पे रहेगा? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर रहेगा, और ब्लेडर से क्या होगा, यूरिथ्रा के थ्रू वो एग्जिट हो जाएगा। जो अमाउंट है इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 300 ml से 500 ml तक क्या है ये रिजर्व करके रख सकता है। जो यूरिनरी ब्लेडर है उसकी कितनी लेयर होती है? अपने 3 लेयर होती है। जो आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, ठीक है। देन आफ्टर इसकी होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है वो किससे बनके बनी होती है? अपनी मसल्स फाइबर एंड इलास्टिक टिश्यू से, ठीक है। मसल्स फाइबर और अपने जो इलास्टिक टिश्यू है इनसे बनके क्या है इसकी मिडिल लेयर बनी होती है। देन आफ्टर आता है अपना म्यूकोसा। म्यूकोसा किससे बना होता है? एपिथेलियम से अपना जो है वो म्यूकोसा बना रहता है। अगर अपन ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करते हैं तो इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? जो अपर पार्ट है, यानी कि जो अपर पार्ट है उसको कौन करेगा? वेसिकल आर्टरी, यानी कि सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो है वो क्या करती है, इसके ब्लडर के अपर पार्ट को क्या है, ब्लड सप्लाई कर देंगी, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर कौन करेगा? वेजाइनल आर्टरी जो है वो क्या करेगी, फीमेल्स के अंदर ब्लड सप्लाई कर देंगे। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो फंक्शन क्या क्या है इसके? कलेक्शन सेंटर है, ठीक है। कलेक्शन सेंटर कैसे है? बिफोर यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन से पहले की जो प्रोसेस है वो कहां पे कंप्लीट होती है? अपनी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर होती है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 300 से 500 ml क्या है इसकी कैपेसिटी है। जो यूरिनरी ब्लेडर है वो क्या है, एक सिंपली ब्लेडर है, ठीक है। इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है इन ह्यूमन एंड वर्टिब्राज। यानी कि ह्यूमन और वर्टिब्राज के अंदर क्या है, ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? दैट कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन फ्रॉम द किडनी बाय डिस्पोजल बाय यूरिनेशन, ठीक है, बिफोर डिस्पोजल बाय यूरिनेशन। यानी कि जो यूरिन करने की जो प्रोसेस है अपने, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, जो किडनी ने जो वेस्ट मटेरियल निकाला उसको जिस प्रोसेस के दौरान अपन जो अपनी बॉडी से
बाहर निकालते हैं, यानी कि ब्लेडर से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, यूरिनेशन बोलते हैं। तो यूरिनेशन की प्रोसेस से पहले की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे, स्टोर करने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, अपनी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर होती है। ठीक है, जो ह्यूमन का जो ब्लेडर है वो किससे मिलके बना होता है, किसका होता है, एक इलास्टिक ऑर्गन होता है। ठीक है, और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, दैट साइट ऑन द पेल्विस फ्लोर, यानी कि पेल्विस फ्लोर की पे ये क्या है, स्टोर होता है। यूरिन इंटर द ब्लेडर वाया द यूरेटर एंड एग्जिट वाया द यूरिथ्रा। यूरिन जो है वो इंटर कैसे होगा, यूरेटर के थ्रू तो क्या है, इंटर होगा, और अपने जो यूरिथ्रा है उसके थ्रू क्या है, वो बाहर निकल जाएगा। एक जो ह्यूमन के जो ब्लेडर है उसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 300 ml टू 500 ml क्या है उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी है। देन आफ्टर अपना आता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द ब्लेडर। ठीक है, जो अपना ब्लेडर है वो क्या है, पियर शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, और यूरिन फिल होने के बाद ओवल शेप का हो जाता है, यानी कि पहले जो है इसका शेप कैसा होता है, पियर शेप होता है। ठीक है, बट इसके अंदर जब यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो कैसा हो जाता है, ये ओवल शेप हो जाता है। और जैसे यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद क्या है, ये दोबारा से अपने शेप में पियर शेप के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले अपन बात, ये ऑर्गन एसोसिएटेड विद द ब्लेडर इन द मेल, यानी कि मेल के अंदर। ठीक है, मेल का जो ब्लेडर है उसके कौन से ऑर्गन उसके कनेक्ट में रहते हैं, यानी कि कौन से ऑर्गन से उसके रिलेशन रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर की, एंटीरियर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, सिंपेसिस प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट की, तो पोस्टीरियर में क्या है, रेक्टम। सुपीरियरली की अगर अपन बात करें तो क्या मिलेगा वहां पे अपने को, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंफीरियर की बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा अपने को, यूरिथ्रा। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द ब्लेडर इन मेल का मतलब क्या है, जो अपना मेल जो है, मेल के अंदर जो ऑर्गन है वो कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं, कि इसके रिलेशन में कौन से ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियरली में, एंटीरियरली में क्या मिलेगा आपको, सिंपेसिस प्यूबिस मिलेगा। ठीक है, देन आफ्टर क्या मिलेगा, पोस्टीरियरली में मिलेगा आपको रेक्टम, सुपीरियरली में मिलेगी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, और इंफीरियरली में मिलेगी आपको यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, आपके ऑर्गन एसोसिएटेड विद द ब्लेडर इन द मेल। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द ब्लेडर इन द फीमेल, यानी कि फीमेल के अंदर जो है उसके कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो क्या एंटीरियरली में सिंफेसिस प्यूबिस हो गया, ठीक है। पोस्टेरियरली में क्या है, यूरेट्रा एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। सुपीरियरली में स्मॉल इंटेस्टाइन और इंफीरियरली में यूरिथ्रा एंड मसल्स फॉर्मिंग द पेल्विस फ्लोर। ये कि ऑर्गन क्या है अपने फीमेल के जो ब्लेडर है उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। देन आफ्टर अपनी आती है लेयर, यानी कि कौन सी लेयर हैं जिनसे क्या है अपना जो है ब्लेडर है वो कंपोज्ड हुआ है। जो आउटर लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। कनेक्टिंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व कवर्ड ऑफ अपर सरफेस बाय द पेरिटोनियम। यानी कि जो आउटर लेयर है वो किससे मिलके बनी हुई है, अपनी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और किससे कनेक्ट रहती है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, यानी कि जो अपना ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, अपनी आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, ये सारी सारी क्या अपनी ब्लड वेसल्स है। और लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व वेसल्स, इनसे क्या है ये कनेक्ट रहती है। और कवर कवर ऑन द अपर सरफेस बाय द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम से क्या है ये कवर रहती है। देन आफ्टर अपनी आती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर किससे मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर एंड इलास्टिक टिश्यू। यानी कि एक स्मूथ मसल्स के कलेक्शन से क्या है जो अपनी एक मिडिल लेयर बनी होती है, ठीक है, और इलास्टिक टिश्यू से जो क्या है तीन लेयर के अंदर अरेंज रहती है। थर्ड आती है अपनी म्यूकोसा, म्यूकोसा किससे बनी रहती है, जो अपनी लाइनिंग विद द एपिथीलियम, यानी एपिथीलियम से क्या है जो अपनी म्यूकोसा लेयर है वो कनेक्टेड बनी हुई रहती है। When the bladder is empty, the inner lining is arranged in fold. ठीक है, जब क्या है, सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी, जो अपना ब्लेडर था वो किस शेप का होता है, पियर शेप का होता है, ठीक है। और बाद में वो किस शेप का हो जाता है, ओवल शेप का हो जाता है, ठीक है। तो जब वो इम्पटी होता है तो इसकी जो इनर लाइनिंग है वो क्या है, फोल्ड हो जाती है, जिससे क्या है कि उसका शेप कैसा हो जाता है, पियर शेप हो जाता है, ठीक है। और जैसे दोबारा से फिल होगा ब्लेडर तो दोबारा से क्या है वो ओवल शेप में आ जाएगा, और जो फोल्ड हुए थे वो दोबारा से क्या है अपने शेप में आ जाएंगे। जो अमाउंट है वो अपन ने, कैपेसिटी अमाउंट है वो अपन ने बात की थी 300 to 500 ml तक होता है, बट रेयर केसेस में क्या है ये 600 ml और इससे अधिक भी हो जाता है। जिसके कित जो अपना ब्लेडर है उसके कितने ओरिफेस बनाए गए हैं, दो ओरिफेस हैं, ठीक है, ट्रायंगल, दो ओरिफेस हैं जो अपर है, जो अपर ओरिफेस हैं वो कहां पे ओपन होते हैं,
जो अपना पोस्टीरियर वाल है कहाँ पे, यूरेटर का जो पीछे का भाग है वहां पे क्या है, वो अपर वाले होते हैं, और लोअर वाले कहाँ पे होते हैं, अपने यूरिथ्रा पे। यूरिथ्रा के अंदर क्या है, स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, अपने वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं आते, यानी कि अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके कंट्रोल में नहीं होते। देन आफ्टर आती है इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करता है, वेसिकल आर्टरी जो है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। और ड्रेन कौन करता है, वेसिकल जो वेन्स है वो क्या करती हैं, ड्रेन कर लेती हैं। जो ब्लेडर का जो अपर पार्ट है उसको कौन करता है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी करती है। लोअर पार्ट है उसको कौन करता है, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी करती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कौन करती है, वेजाइनल आर्टरी करती है। जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांचेज होती हैं। इन फीमेल द यूट्राइन आर्टरी प्रोवाइड एडिशनल ब्लड सप्लाई, यानी कि फीमेल के अंदर जो है वो क्या है, यूट्राइन आर्टरी है वो क्या है, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त ब्लड सप्लाई करती है। द वीनस ड्रेनेज इन ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल वेसल्स ऑन द लेटरल एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ब्लेडर द पास बैकवर्ड अलोंग द लेटरल ब्लेडर इन टू द इंटरनल इलियक वेन, यानी कि इंटरनल इलियक वेन्स जो है वो क्या करती हैं, वहां से अपना वीनस ड्रेनेज करती हैं। देन आफ्टर अपना आता है फंक्शन। फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन की बात करें तो क्या, यूरिन एक्सक्रेटेड बाय द किडनी कलेक्ट इन द ब्लेडर बिफोर डिस्पोजल ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जो अपना यूरिन है उसको क्या है, कलेक्ट करता है किससे पहले, बिफोर यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन की प्रोसेस से पहले जो यूरिनरी ब्लेडर है वो क्या करता है, यूरिन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, कितने यूरिन को कर सकता है, 300 से 350 ml को क्या है, होल्ड करके रख सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 600 ml तक ये स्टोर करके रख सकता है। देन आफ्टर अपनी आती है यूरिथ्रा। ठीक है, ये है मेल यूरिथ्रा और ये है फीमेल यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के बारे में अगर अपन डीपली डिस्कस करेंगे तो अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या है, डीपली डिस्कस कर सकते हैं। जो यूरिथ्रा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द कैनाल ऑफ द नेक ऑफ द ब्लेडर, यानी कि जो अपना ब्लेडर है उसके नेक पे क्या है, प्रेजेंट रहती है। इट इज लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल। ठीक है, मेल की जो यूरिथ्रा है उसकी साइज क्या है, बड़ी होती है, और फीमेल की है वो कम होती है। मेल यूरिथ्रा है उसकी साइज क्या होती है, 22-25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल की कितनी होती है, 4-5 सेंटीमीटर। यूरिथ्रा है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, नेक ऑफ द ब्लेडर टू एक्सट्रेट एट द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। ठीक है, लेंथ दोनों की डिफरेंस होती है, मेल के अंदर 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, फीमेल के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। तीन लेयर से मिलके क्या है, बनी होती है। सबसे पहले कौन सी है, म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसल लेयर, देन आफ्टर सब म्यूकोसा, और देन आफ्टर म्यूकोसा। ये तीन लेयर हैं किसकी, अपनी, इसकी तीन लेयर है, इनसे मिलके ये बना हुआ होता है। सब म्यूकोसा है वो कौन सी है, स्पंजी लेयर होती है, जो किससे कनेक्टिंग रहती है, कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व। म्यूकोसा है वो किससे रहती है, अपर पार्ट से। ठीक है, और जो मसल्स लेयर है वो किससे, ब्लेडर से। मसल्स लेयर किससे रहेगी, ब्लेडर से रहेगी। सब म्यूकोसा किससे रहेगी,
अपने जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे एंड नर्व से, और म्यूकोसा है वो किससे, ब्लड के अपर पार्ट से। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जो है वो अपनी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की।